एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट्स का इंतज़ार खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एमपीबीएससी ने दोपहर 12:30 बजे कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को जारी कर दिया है, जिसमें नीमच के विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रदेश की मेरिट में स्थान हासिल किया है। एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के परीक्षा परिणाम की घोषणा को लेकर विद्यार्थियों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। गुरुवार को रिजल्ट जारी होने के बाद विद्यार्थी एमपी ऑनलाइन साइट पर रिजल्ट देखने के लिए टूट पड़े। इस साल नीमच जिले में 10वीं का रिजल्ट 73.3% और 12वीं में 73.13% बच्चे पास हुए हैं। नीमच के 10वीं 12वीं के 3 विद्यार्थियों ने प्रदेश की मेरिट सूची में मकाम हासिल किया है, वहीं संभाग में प्रथम स्थान पर रहे हैं। 12वीं में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कुमारी मनस्वी जैन ने 500 में से 471 अंक हासिल कर प्रदेश की मेरिट में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और नीमच जिले में प्रथम स्थान पर रही है। वहीं 10वीं में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोर्दिया कला की कुमारी प्रतिभा बोराना ने 500 में से 488 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 7वां और नीमच जिले में पहला मकाम बनाया है। वहीं ज्ञान सरोवर हाई स्कूल जीरन की कुमारी धारणा जैन ने 500 में से 485 अंक लाकर प्रदेश में 10वां और नीमच में दूसरे स्थान पर रही। इसके साथ ही नीमच जिला मेरिट में आने वाले प्रदेश के 5 टॉप जिलों में भी आया है। एमपी बोर्ड 10वीं क्लास में इस साल प्रदेश में ऑल ओवर 63.29% स्टूडेंट पास हुए हैं, जबकि 12वीं क्लास में 55.28% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। चलिए बताते हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में इस साल कितने बच्चे पास हुए और कितने फेल। नीमच जिले में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में इस साल 6,914 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 5,068 बच्चे सफल हुए, वहीं 1,846 बच्चे असफल हुए हैं। 12वीं बोर्ड में 5,488 बच्चे परीक्षा में बैठे थे, जिसमें 4,008 विद्यार्थियों ने कामयाबी हासिल की और 1,480 बच्चे नाकाम रहे।